तो दोस्तों आज हम एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं, जो कि YouTube तो अपडेट लेकर के आ गया भाई कि शॉर्ट लॉन्ग कोई भी डालो, आप किसी से भी अपने चैनल को मोनेटाइज करा लो। मगर डाउट यहाँ पर ये आ रहा है, क्या हम शॉर्ट और लॉन्ग एक ही चैनल में डाल सकते हैं कि नहीं, अपलोड कर सकते हैं कि नहीं? अगर अपलोड करते हैं तो उससे क्या नुकसान है और क्या फायदा, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में खुल करके बात करेंगे, ठीक है? कोई मतलब छुपा छुपी से बात नहीं होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए फिर वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं, एक लाइक मार दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि भाई शॉर्ट्स चाहे अपलोड करो चाहे लॉन्ग करो, आप दोनों से चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। यूट्यूब अभी अपडेट लेकर के आ गया, मगर आपको याद होना चाहिए कि आज से 10-15 दिन पहले एक अपडेट यूट्यूब और लेके आया था कि हम शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए दोनों के लिए अलग जगह रखते हैं अपने यूट्यूब पर, मतलब अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दोनों के लिए अलग जगह है। मतलब शॉर्ट जो है शॉर्ट का एल्गोरिथम अलग रहेगा, लॉन्ग का अलग रहेगा। अब यार यूट्यूब बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ा ये दिमाग लगा के ले आया अपडेट कि भाई दोनों में से किसी से आप जो है कि अपना चैनल मोनेटाइज करवा लीजिए। चलिए मान लीजिए एक क्रिएटर जो है नया कोई भी आता है, हम चाहे आप हो, वो क्या करता है कि अपने चैनल पर शॉर्ट लॉन्ग दोनों अपलोड करना स्टार्ट करता है। क्या है भाई कि लालच में कि हमारा चैनल जो है कि किसी से भी मोनेटाइज हो जाएगा। क्या ये सही है या गलत है? अगर मैं अभी बताऊं बिना एग्जांपल दिए तो अभी मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? यूट्यूब अपडेट लाया तो लाया मगर गलत है, ठीक है? शॉर्ट में ही उसको आप मोनेटाइज कराइए जाकर फिर अच्छा रहेगा, हालांकि लॉन्ग में उसको मोनेटाइज मत कराइए जाकर के। इससे आपको नुकसान क्या है जानिए इसके बारे में। देखिए अगर अभी हमारे चैनल पे आप हैं, आपको पता होगा कि अपने 24 घंटे में करीब में 250-300-400 व्यूज आ जाता है, एकदम कन्फर्म आ जाता है, उससे कम नहीं रहता, ठीक है? 200 तो प्लस ही रहता है कितना भी हो जाए। अब अगर आप कमेंट करते हैं मेरे नीचे, ठीक है, इस कमेंट बॉक्स में कि आप भी करके इसको दिखाइए एग्जांपल में, ऐसे तो मैं देखा हूँ, मेरे पास बहुत सारे चैनल का रिव्यू आते रहता है, ठीक है, मैं देखा हूँ इसको, मगर अगर आप कमेंट करते हैं एग्जांपल देखने के लिए, मैं आपके सामने कल, ठीक है, शॉर्ट वीडियो डाल के दिखाऊंगा अपने चैनल को, उसमें 200 व्यूज क्या बता रहा हूँ मैं, 100 व्यूज भी नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा सामने, ठीक है, मगर कमेंट करेंगे तब, ओके। तो यहाँ पर निकल के बात ये आती है मेरे तरफ से, मेरा ओपिनियन रहेगा ये आप लोग के लिए, ठीक है? बाकी आपका तो मर्जी है कि आपका चैनल जैसे चलाना है चलाओ, मैं मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है साल भर का, इसमें वही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट लॉन्ग बिल्कुल एक चैनल पे अपलोड मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखिए शॉर्ट में क्या होता है, जो सब्सक्राइबर हमारे होते हैं ना शॉर्ट वाले, वो बिल्कुल आपके एक्टिव नए नए ही होते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं 4000 सब्सक्राइबर उनके शॉर्ट में है, जब लॉन्ग वीडियो डालता है ना तो 10 व्यूज आना मुश्किल, 10 जिसको बोलते हैं वही शॉर्ट डालता है उसके चैनल पर तो अच्छा चलता है। तो यूट्यूब बोल ही दिया साफ साफ कि हमारा दोनों का एल्गोरिदम चेंज है, तो आप एक एल्गोरिदम में दोनों का क्यों जोड़ना चाहते हैं जबरदस्ती, ये बताइए, कोई फायदा नहीं है आपको, आपका टाइम बिल्कुल पास होगा, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, न शॉर्ट में व्यूज आ पाएगा उस टाइप से, नहीं लॉन्ग में आ पाएगा। हाँ जब आएगा, कब? जब आपका सब्सक्राइबर बेस बन जाएगा ना, वो भी कौन, रियल वाले और बेल नोटिफिकेशन ऑन किया वाला सब्सक्राइबर बेस, तब जाके काम आपका बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जब भी शॉर्ट अगर चाहते ही हैं कि नहीं हम चैनल पे अपलोड करवे करेंगे, तो शॉर्ट जब भी अपलोड कीजिए तो शॉर्ट में एक थंबनेल लगा करके अपलोड कीजिए। आप थंबनेल जब लगाएंगे आप, तो आपका वीडियो शॉर्ट में भी चलेगा और ब्राउज फीचर में भी चलेगा। ब्राउज फीचर में जब चलेगा अपना शॉर्ट वीडियो ना, तो ओपन करेगा कोई, तो जैसे नॉर्मल वीडियो होता है ना, लॉन्ग वीडियो चलता है ना, वैसे शॉर्ट वीडियो चलता है। उसमें क्या है कि जब सब्सक्राइब करेगा लोग आपको, तो बेल नोटिफिकेशन साथ में दबाएगा, और जब बेल नोटिफिकेशन दबेगा ना, तो उसके बाद लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करेंगे आप ना, तो उसमें भी आपके व्यूज आएंगे और शॉर्ट में भी आएंगे, ठीक है? मगर थंबनेल लगा के डालेंगे तब, ये नहीं कि जैसे शॉर्ट नहीं होता 15 सेकंड का बिना थंबनेल का उठा करके डाल दिए, फिर उसके बाद कल किए एक तो लॉन्ग डाल दिए, परसों शॉर्ट डाल दिए, ऐसे कोई मतलब है, चैनल जो है कि रद्दी आपका हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा राय भाई मानिएगा यही चीज की जो मैं बताया, इस काम को जरूर आप करिएगा, इसे डायरेक्ट मत करिएगा, ओके? बस वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमको एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा कि नहीं, अगर विश्वास हो गया तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल भी देने के लिए हम तैयार है, कल ही आपके सामने हम अपलोड करेंगे, कमेंट करिएगा, ओके? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।